उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ ने खेल नीति 2020 को लेकर बीते दिन देहरादून में आयोजित बैठक में खिलाड़ियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ के सेक्रेटरी हेम पुजारी ने कहा कि राज्य में 6 ओलंपियन एवं लगभग 200 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड तथा अन्य खेल पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं, किंतु किसी को भी इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, ना ही उनसे कोई सुझाव मांगने का प्रयास किया गया। किसी भी खेल नीति का इनके बिना बन पाना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खेल नीति 2020 का प्रेजेंटेशन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिसका कि खेल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बैठक में भी ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनका खेल से कोई वास्ता नहीं है। खेल विभाग में मनमाने तरीके से काम हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से खेलों के बेहतर भविष्य के लिए बनाई जा रही योजना केवल खाना पूर्ति तक ही सीमित कर दी गई है, जो खिलाड़ियों के हित में नहीं है। कि जो ये उत्तराखंड खेल नीति को बना करके खेल नीति 2020 के संबंध में जो मीटिंग रखी गई थी, इसमें उत्तराखंड के जो खेल संघ है जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं और विशेष करके हमारा जो वॉलीबॉल संघ है, उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ है और फुटबॉल के संघ हैं और जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जो ओलंपियन हैं, इनको इग्नोर करके कुछ ऐसे लोगों को उस मीटिंग में बुला बैठा दिया गया कि जो कि जिनका खेल से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। और इससे क्योंकि खेल नीति उत्तराखंड को लेके बन रही है तो इन लोगों का जिनका योगदान रहा है खेल में, इनको बुलाया जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक था। बिल्कुल, मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले जो डिप्टी डायरेक्टर हैं खेल विभाग के, श्री धर्मेंद्र भट्ट जी, साथ में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं डीके सिंह जी और साथ में उनके नीरज गुप्ता जी, जबकि नीरज गुप्ता जी कल वहाँ पे ब्रीफिंग दे रहे थे। नीरज गुप्ता जी युवा कल्याण के अधिकारी हैं और उनका खेल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये किस बात की ब्रीफिंग दे रहे हैं वहाँ, जबकि खेल विभाग हमारे पास पूरा एक ऐसा विभाग है जहाँ कॉम्पिटेंट कोच है, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, ओलंपियंस हैं, उनको आपने ब्रीफिंग के लिए, उनको आपने एडवाइस नहीं ली ब्रीफिंग के लिए, आपके पास खेल विभाग में कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है, तो ये एक तो दुर्भाग्य की बात है।